नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉक विद मी में। फ्रेंड्स, आज अपन राजस्थान जीके के पार्ट राजस्थान कल्चर से संबंधित संगीत कला के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है गौरी देवी। अल्लाह जिला बाई का संबंध किससे है? मांड गायकी से। अल्लाह जिला बाई के गुरु कौन थे? हुसैन बख्श जी। मरु कोकिला किससे कहते हैं? अल्लाह जिला बाई को। सुमिलित कीजिए, राइट है इसमें थर्ड नंबर का। देखिए, विश्व मोहन भट्ट मोहिनी वीणा से संबंधित है। पुरुषोत्तम दास पखावत से संबंधित है। ब्रजभूषण काबरा गिटार से संबंधित है और सत्यदेव पंवार वायलिन से संबंधित है। असंगत है। देखिए, महमूद धौलपुरी सारंगी वादन, जो कि सही है। सूरज नारायण पुरोहित बांसुरी वादन, जो कि ये भी सही है। शीश मोहन भट्ट सितार वादन, ये भी सही है। मन्नालाल पखावज, असंगत मन्नालाल पखावज। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित जसकरण गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर में। पंडित दुर्गालाल का संबंध किससे हैं? कथक नृत्य से, तबला वादन से, पखावज वादन से। इसमें सभी राइट आंसर है। कर्णाबेल किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध कलाकार है? नड़वाद्य यंत्र का। जयपुर संगीत घराना किसके लिए विख्यात है? ध्रुपद गायकी के लिए। खड़ताल का प्रसिद्ध वादक है? सद्दीक खां मांगनियार। सुमार खां लंगा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से। प्रसिद्ध लोकगीत गायिका जमीला बाई का संबंध किस जिले से है? जोधपुर जिले से। देश के प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म स्थली है श्रीगंगानगर। बन्नो बेगम का संबंध है मांड गायन से। भपंग वाद्य यंत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? अलवर भरतपुर से। पहली राजस्थानी फिल्म नजराना के कथा लेखक थे डॉक्टर प्रभु नारायण। सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता असरानी किस जिले से संबंधित है? जयपुर जिले से। पटेलिया है एक लोकगीत। राजस्थान में थकान को मिटाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? बणते। अजमो है आठवें मास के गीत। केसरिया बालम है एक मांड गीत। गिंदड़ खेलते समय गाया जाने वाला लोकगीत है उमराव। मेवात क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत है रशिया। बच्चे के जन्म के बाद सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला गीत बियाणा। राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रचलित लोक संगीत की गायकी है तालबंदी। राजस्थान की महिला ध्रुपद गायकी मधुभट तेलंग। जयपुर के गीत कब गाए जाते हैं? सॉरी, लूर के गीत कब गाए जाते हैं? होली व गणगौर पर। रावण हत्ता किन भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है? बाबूजी के भोपों का। नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंची व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। आम की लकड़ी से बना ढप के लघु आकार का तालवाद्य है खंजरी। किस वाद्य यंत्र को वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? जंतर वाद्य यंत्र को। केसरिया बालम पधारो नी मारा देश मांड गीत किसके द्वारा गाया जाता है? मांगी बाई के द्वारा।
राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। लांगुरिया गीत किस देवी के सम्मान में गाए जाते हैं? केला देवी के सम्मान में। देवनारायण जी के पोपों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? जंतर। सुमेलित कीजिए। चमड़े से मड़े वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुसिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तारों से बने वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और धातु से निर्मित वाद्य यंत्र धन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसमें राइट 4 नंबर है। रमाबाई प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसकी पुत्री थी? महाराणा कुंभा की। सुमेलित कीजिए। इसमें राइट 3 नंबर है। देखिए, मूमल जैसलमेर से संबंधित है, बिछुड़ो हाड़ोती से संबंधित है, लांगुरिया करौली से संबंधित है और रशिया भरतपुर से संबंधित है। रामदेव जी के भोपे कामड़ जाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है तंदूरा। जहूर खां मेवाती किस वाद्य का प्रसिद्ध कलाकार है? भपंग का। कामायचा बजाते हैं मांगणियार जाति। मिट्टी की ढोलक पर खाल मडगर बनाया जाने वाला आदिवासियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है मांदल। तांबे के चपटी परात पर बकरे का पतला चमड़ा मडकर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसे बांस की खपच्चियों से बजाया जाता है ताशा कहलाता है। प्रसिद्ध कथक नृत्यकार पंडित उदय शंकर किस जिले से संबंधित है? उदयपुर से। अलवर का रसखान किसे कहते हैं? अली बख्शी को। जब घर में कोई मांगलिक कार्य शुरू होता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं? बधावा गीत। होली के अवसर पर प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग वाद्य यंत्र का। घोड़े के दोनों ओर रखकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? धोसा। बम या टामक किसे कहा जाता है? नगाड़े को। प्राय मंदिर और महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है नौबत। बेरुजी के भूपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है मशक। भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र जो पीतल का बना होता है जो रण क्षेत्र में भी बजाया जाता है भूंगल कहलाता है। सारंगी की तरह बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है उपरोक्त सभी कामायचा सुरिंदा चिकारा। आकृति में बिगुल की तरह पीतल का बना वाद्य यंत्र जो मांगलिक अवसरों पर ढोल के साथ बजाया जाता है टाम कहलाता है। तत्वाद्य यंत्र सभी तत्वाद्य यंत्र बपंग किकतारा सारंगी तंदूरा जंतर रावणहत्ता सभी तार से बने हुए होते हैं। सुसिर वाद्य यंत्र इसमें भी सभी है अलगोचा बाकिया बुंगल फूंक कर बजाए जाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र खाल से मडकर नहीं बजाया जाता है? बुंगल पुंगी क्योंकि सुसिर वाद्य यंत्र है बाकी सभी खाल से मडकर बनाए जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है? भपंग कटे हुए तंबू से बना होता है जिसके एक सिर पर चमड़ा मड़ा होता है जो कि सही है। अलवर क्षेत्र का यह प्रमुख वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है। वादक इस वाद्य को कांक में दबाकर बजाता है यह भी सही है। यह वाद्य यंत्र सुसिर वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ है जो कि गलत है। राइट आंसर है 4। कौन सा वाद्य यंत्र एक ही हाथ से बजाया जाता है? इकतारा। चौतारा कहलाता है तंदूरा। कौन सा कथन असत्य है? जंतर वाद्य वीणा की तरह होता है। अलगोचा एक तत्व वाद्य यंत्र है क्योंकि गलत है। रावणहत्ता वायलिन की तरह बजाया जाता है। जंतर गुजर भूपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। राइट आंसर इसमें 2nd नंबर असंगत है।
कार्बेलिया का प्रमुख वाद्य यंत्र है पुंगी। सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य माना जाता है सारंगी। कौन सा कथन असत्य है? कामायचा जैसलमेर के मांगनियार जाति का वाद्य यंत्र है, जो कि सही है। यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है, यह भी सही है। इसमें 27 तार होते हैं, यह भी सही है। यह डंडों से बजाया जाता है, जिन्हें बम कहते हैं, जो कि गलत है। राइट आंसर 4। रबाब है तत्ववाद्य यंत्र। भीलों द्वारा दीपावली पर घुटनों के बीच रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है दुकाको। अलगोचा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित वाद्य यंत्र है सतारा, तीनों का मिश्रित रूप। लकड़ी के छोटे छोटे चिकने व पतले टुकड़ों से बना वाद्य यंत्र, जिसे जैसलमेर के मांगनियर जाति प्रमुख रूप से बजाते हैं, खड़ताल कहलाता है। कथोड़ी जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र सभी है, तारपी, बांसली, टापरा पावरी, थालीसर घोरिया, सभी राइट आंसर है इसमें। वधू द्वारा भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन किस जाति किस गीत में किया गया है? चिरमी। असंगत लोकगीत क्षेत्र मुंबल जैसलमेर में, जो कि सही है। ढोला मारू सिरोही में, जो कि सही है। घुड़ला मारवाड़ में, ये भी सही है। झरोवा जो कि असंगत है, राइट आंसर है 4 नंबर। प्रेमाख्यान संबंधित लोकगीत है सभी, मुंबल, ढोला मारू, पपैया। विरह के गीत है सभी, सूपना, कुरजा, ओल्लू। पीपली संबंधी लोकगीत प्रसिद्ध है मारवाड़ और शेखावटी दोनों में। गाली गीत कहलाते हैं सीठने। बालक के जन्म से संबंधित गीत है होलर गीत। काजलियो लोकगीत कब गाया जाता है? होली पर। राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किन लोकगीत में मिलता है? हरजश। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाए जाते हैं? कामण। असंगत है, पनघट के गीत इंडोणी कहलाते हैं। वीर प्रधान गीत कलाली कहलाते हैं। ब्रज क्षेत्र के गीत रशिया कहलाते हैं। जयपुर के मीणाओं के गीत हमसीडो, जो कि गलत है। विछड़ो कहाँ का लोकप्रिय गीत है? हाड़ौती का। कमर में घुंघरू बांधकर अपने शरीर पर हंटर से मार करने के लिए प्रसिद्ध है भैरू जी के भोपे। 12 का डेरा देखने जाते समय लड़कियां कौन सा गीत गाती है? जलो और जलाल। कौन सा कथन सत्य है? मेरासी जाति का प्रमुख वाद्य सारंगी है, जो कि सही है। मारवाड़ क्षेत्र के इन कलाकारों की अधिकता है, ये भी सही है। अलवर क्षेत्र के मेरासी मेवाती कहलाते हैं, जो भी सही है। इसमें सभी राइट आंसर है। भाटों के साथ साथ वंशावली का बखान करने के लिए प्रसिद्ध है मीराशी। विश्व भर में अपनी गायकी के लिए विख्यात लंगा जाति। 13 ताली नृत्य के लिए प्रयुक्त वाद्य यंत्र है मंजीरा। भर्तृहरि शिव जी का ब्यावला व पंडु का कड़ा गायन प्रसिद्ध है अलवर। अतरौली संगीत घराने के प्रमुख केंद्र है सभी, उनियारा, जोधपुर, बूंदी। सुमेलित कीजिए, राइट आंसर इसमें 4 1 नंबर। अतरौली घराना छज्जू खां, मेवाती घराना उस्ताद नजीर खां, पटियाला घराना अलीबख्श, जयपुर घराना रज्जब अली। राजस्थान में डागर संगीत घराने के केंद्र रहे हैं सभी, जयपुर, अलवर, उदयपुर। धन्यवाद दोस्तों।